भाई 6:25 पे जमात में तो भागता हुआ जा रहा हूँ जल्दी से मस्जिद के लिए। अल्लाह तो हमारे साथ ईद नहीं गुजारेंगी, गुजारत वगैरह सब खुद डालना पड़ता है यार। समझ रही मोजा पकड़, सूंघ स्मेल तो नहीं आ रही। अरे पाँच नहीं ले, पाँच सलाम करो, सलाम करो। वाह भाई वाह, सलाम वाले। भाई बड़े होते हैं हमेशा भाई देते हैं जी। अच्छा और बहनें क्या कर रही होती हैं? बहनें छोड़ा रही होती हैं। साथ ही साथ और पॉलिश जो है वो आप नजर आ रही है। भाई 6:25 पे जमात में तो भागता हुआ जा रहा हूँ जल्दी से मस्जिद के लिए। Much, much, much later. The following Thursday. Assalamualaikum everyone. Welcome back to Babar Nasir Official. This is me, Babar Sheikh. Welcome back to another vlog. तो मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को ईद का दूसरा दिन बेतहाशा मुबारक हो। कल के जो सीन्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, इस वजह से आपके भाई ने ईद के पहले दिन व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। एक्चुअली ईद के पहले दिन मेरे घर में ये सीन होता है कि मम्मी जो है वो ईद की नमाज पढ़वाने के लिए चली जाती है, भाई मेरा सो रहा होता है, तो मेरा तो खैर बनता ही नहीं है व्लॉग बनाना, क्योंकि जाहिर है मैं भी पूरी रात का जागा होता है। कुछ दोस्तों की शॉपिंग वगैरह थी वो पेंडिंग थी, तो चांदना सारा दिन उनके साथ उनकी शॉपिंग जो थी वो पूरी कंप्लीट करवाई। मेरी इस दफा ईद पे कोई इतनी ज्यादा खास शॉपिंग नहीं थी, क्योंकि यार सीधी जो बात है वो ये है कि एक तो मेरे दिल में दो तीन बातें हैं, वो बातें मैं आप लोगों के साथ क्या मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं की, वो बातें शेयर कर लूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दो ड्रेसेस जो है वो ईद पे मिल गए थे मेरे, और बाकी शूज वगैरह मेरे पास सब पड़े हुए थे। इस दफा ईद पे जो मेरी इतनी कोई खास शॉपिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन मैंने घर वालों को दीदी वालों को सबको शॉपिंग करवा दी थी। दोस्तों की शॉपिंग जो थी वो पेंडिंग थी, वो चांदना पे मुझे कंप्लीट करवा दी थी। सलून आपको पता है आपको भाई जाता नहीं है, तो घर में मैंने अपनी शेप वगैरह सेट कर ली थी। कल वाला जो व्लॉग है उसमें मैंने ईद की नमाज दिखाई, उसके बाद मैंने कहा था कि दूसरे दिन मैं व्लॉग शुरू करूँ, क्योंकि दूसरे दिन मेरी बहनों की गेट टुगेदर भी लगती है। दो बहनों की मेरी गेट टुगेदर लगती है, इसलिए एक बहन जो है मेरी आउट ऑफ पाकिस्तान है और एक बहन मेरी आउट ऑफ सिटी है, तो इस वजह से सिर्फ दो बहनें वो दूसरे दिन मिलती हैं सारी, क्योंकि जाहिर है उनका अपना ससुराल है तो अपने ससुरालों को देखती है। खैर आज का जो दिन है अम्मी स्टिल आज भी बिजी है, उनको ऑफिस जाना है अभी, और मैं जो है बस सो के उठा। टाइम जो है अभी 3:35 हो चुके हैं। सीन्स कुछ ये हैं कि कल जो है मैंने ईद की नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने वाले साहब की कब्र पे गया, उनकी कब्र में फातिहा वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं आया घर पे, घर आके मैंने चेंज वगैरह किया, चेंज वगैरह करते के साथ ही फिर मैं आयशा बाजी के घर पे चला गया था, आयशा बाजी को मुबारकबाद दी, कुछ मीठा मिठाई वगैरह उनको दे के उसके बाद फिर चला गया अपने ससुराल में। ससुराल गया, अपनी सास वगैरह से मिला, अपनी सास से ईदी ली, अपनी बेगम को ईदी दी, उसके बाद फिर मैं वापस घर आया हूँ। घर आके फिर मैं सो गया था, वो नींद पूरी नहीं थी, उस वजह से मुझे नींद पूरी करनी लाजमी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं ईद के पहले दिन व्लॉग नहीं बनाऊंगा, दूसरे दिन व्लॉग बनाऊंगा। जाहिर है सब लोग जो है वो दूसरे दिन मिलते हैं, पहले दिन सब अपने घरों में बिजी होते हैं, तो मेरे घर का भी कुछ यही सीन है कि सब पहले दिन जो है अपने घरों में बिजी थे, दूसरे दिन आज सब मिल रहे हैं। मेरी बहनें जो है वो मेरे घर पे नहीं, मेरी दूसरी बहन के घर पे गई है, तो वहीं पर ही हम जा रहे हैं, बस रेडी होते हैं। अच्छा गाइस कल जो आपके भाई ने आउटफिट पहना था उसकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं मिला था अपने वाले साहब से, वाले साहब से मिलने के बाद अब मैं निकल गया हूँ, जा रहा हूँ अपने ससुराल पे, आई एम ऑन माय वे। गाइस कल जो आपके भाई ने आउटफिट पहना था बहुत प्यारा आउटफिट था यार, वो मेरी बहन की पसंद का कलर आउटफिट है, वो तो मैंने हैंगर कर दिया था। आज वाला जो मेरा आउटफिट है वो भी बहुत प्यारा ऑलिव ग्रीन कलर है, तो आज हम ये वाला आउटफिट पहनेंगे अपना। गाइस ये कलर जो है मैंने कभी जिंदगी में नहीं वेयर किया, ये दोनों कलर मेरी बहन ने पसंद किए मेरे लिए प्यारे। एक जो कल मैंने पहना था वो आप लोगों ने देख लिया, और आज का कलर ये है। टू बी ऑनेस्ट मतलब कल वाला जो आपके भाई का व्लॉग था ना, सीरियस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही ऑन ऑफ व्लॉग था, मतलब बहुत ही आगे पीछे व्लॉग था, समझ में आने वाला व्लॉग नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ नमाज का बना के बाकी व्लॉग मैंने अपना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कब्रिस्तान भी जाना था, ससुराल भी जाना था। तो मोस्टली ऐसा होता है कि घर वाले मेरे ससुराल वाले जाहिर है आगे पीछे, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि कुछ लोग व्लॉग में आना चाहते हैं, कुछ लोग व्लॉग में नहीं आना चाहते। इसका जो पहला दिन था वो बेतहाशा मसरूफ था मेरे लिए। दूसरी बात ये, एक तो घर वालों से मिला, उसके बाद फिर अबू के पास चले गया कब्रिस्तान पे, कब्रिस्तान से जब ससुराल चले गए, ससुराल से आने के बाद फिर नींद में इतना बिजी रहा, फिर सोता रहा, सोकर उठने के बाद आज दूसरा दिन है, अभी सो के उठा, नींद अलहमदुल्ला पूरी हो गई, तो अब दोबारा आपके मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया। गाइस मम्मी भी जो है वो मेरे रूम में आ चुकी हैं। कल जो है हम लोग ईद वीद मिल रही थे, लेकिन अम्मी कल बिजी थी, ऑफिस में थी सारा दिन, तो अभी अम्मी आई। आप लोग तो आज जो है अम्मी रेडी हो गई, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूँ बहन के घर पे, तो आप कहाँ जा रहे हो? मैं फिर वापस ऑफिस जा रही हूँ काम के लिए। अल्लाह तो हमारे साथ ईद नहीं गुजारेंगी? नहीं क्यों? काम कर मेरे को पड़ा हुआ, जैसे आफ्टर ईद सब पूछना शुरू कर देंगे क्या हुआ काम का, तो ऑफिस जा रही हूँ। यार ये क्या बात है, मेरी ईदी का है? ईदी कौन सी भाई, अब तुम मुझे ईदी देना, मेरे पास कहाँ है ईदी, तुम्हें देती आई जिस साल तुम दो ईदी। अच्छा जी तो ये बात है, मैं निकल रही बाबा। अच्छा जा रहे हो ऑफिस, बस तैयार हो गए। तो गाइस देखा आप लोगों ने, स्टिल मेरे घर में सारे लोग बिजी हैं, सब अपने अपने ऑफिस में अपने अपनी जॉब्स में इतने बिजी हैं कि किसी को पता ही नहीं है ईद है या क्या। बस कल मैं जब नमाज पढ़ के आया मम्मी से ईद मुबारक वगैरह की, शीर
बल्कि शीर तो मैंने कल खाई नहीं यार, शीर मैंने कल खाई, अपने ससुराल में शीर खाई है मैंने, तो मम्मी ने जो है शीर बनाई है लेकिन मैंने कल खाई नहीं क्योंकि मम्मी सो रही थी, मैंने आके मुबारक किया, उसके बाद फिर मैं आके मैं भी सो गया। यार क्या मतलब ईदी दो, ईदी घर पे आके कौन लेता है भाई, घर पे आके लोगे, बदमाशी है। वाह भाई वाह, ईद मुबारक, कुछ भी नहीं बोला, ईदी कब थी तो ईदी कब थी भाई, इनको जैसा है कि लड़कियों को मैं देता हूँ 50 रुपए और लड़कों को देता हूँ 20 रुपए, लड़कियों को मैं देता हूँ 20 रुपए, लड़कियों को देता हूँ 50 रुपए। नहीं नहीं, दो दो मोबाइल लेके क्या मतलब, गलत बात की बात ही नहीं है। एक मिनट, ये आ गई मेरे पास गड्डी, समझ रहे हो, अब लड़कों को मैं देता हूँ 20 रुपए और लड़कियों को मैं देता हूँ 50 रुपए। उतरनी पकड़, 1 2 3 उठा, ए 5 नहीं, ये ले 5, सलाम करो, सलाम करो, वाह भाई वाह, 70 नहीं 50 रुपए की बात हुई है। हाँ भाई, नहीं नहीं रहने वाले नहीं, बस भाई को ले ही फिर दूंगा, ये ले 20 रुपए, 1 2 सही है भाई, सही है, मैं इसको 20 रुपए ईदी दे चुका हूँ तेरे भाई की, ये कह रही है कि ईदी मेरी हो गई है, जाके भाई को बता के आएगा ना अगर तू कि मैंने 20 रुपए दिए उसको, मैं तुझे 30 रुपए और दूंगा, बता। अच्छा मारे, अब मारने में तेरे 20 रुपए मैं दूंगा, अब मारने में तेरे, अब तेरे मारने में तेरे 20 रुपए दूंगा मैं इसको, सही, तू मारे बहनों को नहीं मारते, बहनों को नहीं मारते कभी, समझ रहे, गलत मारा था, तेरे 20 रुपए आ गए इसके पास, 1000 के खुले दूं, लाओ 2000 रुपए अभी देता हूँ, 1000 रुपए दो, 1000 रुपए तो खुला दूं, ये आ गए 1000 रुपए, सही है, ईमानी रख ले 1000 रुपए, नहीं नहीं 1000 रुपए ही दी, ईमान ईमान तेरी हो गई, 1000 रुपए ही दी, मारूंगा मारूंगा क्या होता है, बस ईमान तूने किससे लिए पैसे, बस सही है, 1000 रुपए ईमान की हो गई, भाग 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 भाग, नहीं नहीं 500 रुपए निकालनी है, नहीं नहीं ईमान, बस 1000 रुपए भाग गई ईमान, चलो ईमान भी गई, 13000 रुपए भी गए, और बच्चों की लड़ाई करवा के जो मैं अंदर आ चुका हूँ, तो भाई मेरा शुरू से ये रूल है कि जितने भी छोटे बच्चे होंगे उनको 20 रुपए मिलेंगे, बड़े बच्चों को 50 मिलेंगे, लड़की होगी तो 500 मिलेंगे, लड़का होगा तो 200 मिलेंगे, दैट्स इट भाई, के ये रूल है हमेशा, ज्यादा वगैरह सब खुद डालना पड़ता है यार। तमाम बहन जो पहुंच चुकी है मेरी बहन के घर पे, हमें भी पहुंचना है जल्दी से, तो टाइम जो है वो अभी हो गया है 4:15 हो गए, हम लोग वैसे ही लेट हो गए, जल्दी से चेंज कर लेते, पर यार गाइस फाइनली आपका भाई जो है रेडी हो चुका है, अभी जो है टाइम होगा बहुत कम है, आशा जी की धड़ कॉले आ रही है कि भाई तू कहाँ रह गया, आ जा यार, इसलिए व्लॉग बनाने के चक्कर में कपड़े बड़े सी किए अपने, आपके सामने शनिवार में जारबंद तक मैं डालता हूँ यार, मेरी शादी हो जाएगी 2 महीने बाद, सकून हो जाएगा, फिर मेरी बीवी होगी, टेंशन नहीं होगा, मेरी हर चीज ओके करके रखेगी, वो पहले से ही मुझे बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना, मैं सब करके रखूंगी, तो आपका भाई जो रेडी हो गया, जल्दी से निकलते बहन के घर पर, एक आता थी ग्लासेस आपके भाई ने 2019-20 में परचेज किया था दुबई से, तो ग्लासेस भी हमने लगा लिया, संभाल गया, तो फुल तैयार हो गया आपका भाई VIP के संग गया, दिलशाद भी खड़ी है भाई ईदी मांगने के लिए, दिलशाद कितनी ईदी चाहिए, मुंह से बोले ईदी तुझे मिल जाएगी, जा दे दे जो चाहिए, मुझे तो चाहिए नहीं, तुझे चाहिए ईदी पागल। अच्छा चल एक काम करना पड़ेगा, फिर तुझे मैं ईदी दूँ, सारे जितने भी नोट सब तेरे, सही है, तेरे मोजे, समझ रही है, मोजा पकड़, सूंघ, स्मेल तो नहीं आ रही, तेरी शर्त मानी है पूरी ईदी तेरी, ये ले, सलाम करते ईद के बाद, वालेकुम सलाम, चलो यार जल्दी जल्दी बैठ जाओ भाई, टाइम नहीं है, तो यार फाइनली हम निकल गए हैं पहले बहन के घर जाने के लिए, जो जल्दी से पूछते हैं पहले अपनी बहन के घर पे, गाइस हियर आई कम, अब गाड़ी जो है मैंने ऐसे ही लगा दी, क्या कर सकते हैं, फिलहाल थोड़ा बहुत रास्ता छोड़ दिया बीच में से, जा रहे हैं बहन के घर पे, बाबा मामू कहीं नहीं रह गया, आ गया भाई, क्या हो गया, बाबा मामू कहाँ रह गया, आ गया आ गया आ गया, घर वाले अंदर से बैठ के पूछ रहे कहाँ है दरवाजा, कौन खोलेगा, दीदी वाले
सलाम आपसे कल मिलनी थी लेकिन ईदी आपने मुझे दी नहीं है। सलाम भाई बड़े होते हैं हमेशा भाई देते हैं ईदी। अच्छा और बहनें क्या कर रही होती हैं? बहनें को उड़ा रही होती हैं। आप कब देंगे? आप दें आपको मिल जाएगी। मतलब आप इन्वेस्ट करें। गालियां इतनी देती है ये, कितनी गालियां देती है। शॉन की जरूरत नहीं होती जब ये गाल नोचता तो। और है नकली नेल्स हर वक्त, हर रोज, हर घंटे में नकली नेल्स बदल रही। हो गया था लेट, आते के साथ ही जो है मुझे मिल गया ये कढ़ाई और स्पेगेटीज है। अच्छा ओके ओके। अरे खाउसा मतलब दूसरी, तो मेरी फेवरेट डिश बनाई है इन लोगों ने। क्या मजेदार खाउसा लग रहा है यार देखने में। मुझे लगा शायद कढ़ाई और स्पेगेटीज बन गए। करना क्या है जी, इसमें डालनी है क्या? पागल है, अकल से पैदल है क्या तू? वो खाउसा है, ये कढ़ाई है। तो जानू खाउसे का सालन नहीं है ये? नहीं उसमें डाला हुआ है। तुम्हें ध्यान देने का सालन आपको बना के दिया ना, आप बिल्कुल नन्हे न्यू काटे। अच्छा एक मिनट, इसमें चिकन है इसमें? अच्छा अच्छा ओके, किचन भी है चिकन। हमारे दूल्हे राजा है, इनकी इनकी मंगनी है कल, इनकी इनकी मंगनी है, इनकी मंगनी, इनकी मंगनी है कल, इनकी मंगनी बल मंगनी दिन तो छोड़ भाई, इनकी मंगनी है कल गाइस, आप देख रहे हो, सोच लो। बस ये करवा लो, ये करवा लो। फाइनली बैक होम यार, आजकल भाई की तबीयत जो है ना वो भी सेट नहीं चल रही है एज यूजुअल। आपको सबको पता है कि अभी हजामा वजामा भी हुआ है, तो इस वजह से जो है ना मेरी एलर्जी भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। दूसरी बात ये कि आज के रूटीन से वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किए, अभी भी जिस जिस बंदे ने नहीं सुना है उसको ईद मुबारक। इस दफा जो है ना यार इतना बैड सीन हुआ कि आपके भाई के पास ईदी भी जमा नहीं हो ना। लास्ट टाइम मेरे पास इतनी नहीं थी जमा हुई, 4000 रुपया ईदी जमा हुई मेरे पास। ओए होए होए भाई, एक के बाद 4000 रुपए जमा हुई, लेकिन इस दफा मेरे साथ इतना बैड सीन हुआ गाइस। मेरी शायद तो बीमार लग रहा था, तो हजामा हुआ था, शक्ल अच्छी नहीं लग रही, इस वजह से शायद किसी ने मुझे ईदी नहीं दी। अगर मैं इस बात पर हूं, लास्ट टाइम मेरी ईदी जो है वो 8.5 लाख रुपए जमा हुई थी, लेकिन इस दफा मेरी ईदी पता कितनी जमा हुई? अहमद ने मुझे 2 गड्डियां दी थी 1000 रुपए वाली, अहमद ने मुझे 2 गड्डियां दी थी 10-10 रुपए वाली, 1000 रुपए की, गलत बोला है मैंने। तो मुझे ना वो 2000 रुपए बस पड़े हैं। अपने सारे के सारे व्यूवर्स को सही सही बताओ कि मैंने तुम्हें 1000 वाली गड्डियां दी थी, ये नहीं बोलो कि 10 वाली गड्डियां दी थी मैंने। शक्लें आ जाना, वो बहुत अच्छे से हवाला दे देती है सारे। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ, मेरा दोस्त एक दिन मुझे 1000 वाली गड्डी भी देगा, लेकिन अभी इसने मुझे 1000 रुपए की 10 वाले नोट वाली गड्डी दी थी। खैर एनीवेज गाइस, आई होप आप सारे लोगों को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया। तो जिस जिससे बाबा सिर्फ को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जब जल्दी से बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं चैनल पे चैनल ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखना। कल का ब्लॉग जो है बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये जो भला पीछे बैठी है ना इसकी मंगनी है कल, तो अभी से जो है वो तैयारियां शुरू हो जाएंगी आज से, क्योंकि आज का ईद का दूसरा दिन खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल भाई की मंगनी भी है, तो आपको मंगनी वाला ब्लॉग भी बहुत जबरदस्त बना के देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, मिलते हैं फिर कल ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।